और फूड पॉइजन में कुछ को ड्रिप्स लगी, कुछ को बुखार था, एक आध को शायद हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। नसीम भाई बाहर निकलना अलाउ नहीं होता तो फिर क्या, और होटल फाइव स्टार होता है तो फिर होटल का खाने में कोई मसला था या इन्होंने बाहर से खामोशी से किसी की कोई रिश्तेदार दे गया था साग पालक को जो गड़बड़ कर गया, ये कभी सुना नहीं है। 13 खिलाड़ी यानी कि 13 ने एक साथ खाया खाना। और अभी जब इंडिया इंग्लैंड की टीम जब इंडिया आई है भाई, वो तो अपना शेफ लेकर आ रहे हैं कि इंडिया में खाने अच्छे नहीं मिलते। आज आपने देख लिया कि क्यों अपना शेफ लेकर इंडिया में इंग्लैंड की टीम आई थी, आज आपने देखा कि फॉरेन प्लेयर तो फॉरेन प्लेयर पाकिस्तानी प्लेयर्स के भी जो है वो। कराची किंग्स के कई खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं, डॉक्टर्स खिलाड़ियों का मुआयना करने में मसरूफ हैं। और खाओ बिरयानियां पिलाओ, देखिए क्या शुरू हो गया। 20 में से 13 प्लेयर्स कराची किंग्स के जनाब बीमार हो गए हैं, है कि प्लेयर्स के पेट खराब हो चुके हैं और एक को तो हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया जा चुका है जबकि कुछ को होटल्स में भी ड्रिप लगी हुई है, खराब हो गए। हाँ मैं अरबाब इख्तियार से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरखास्त करता हूँ, एक इंक्वायरी तो करवाए यार, हाउ इज दैट पॉसिबल। आई थिंक किसी फूड में क्यों इनको कोई नाकिस क्या ड्रिंक मिली है या नाकिस पानी मिला है, कोई दम वाला पानी था जिससे इनके पेट में जो है वो मसाइल पैदा हुए। ये होटल को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। मैं मैच शुरू होने से एक दिन पहले मैं उधर जाता हूँ DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी, मैं जब वापस आ रहा था तो ये दोनों टीमें कहीं से खाना खा के आ रही है, हसन अली, जेम्स विंस और वो डिप्लॉय तो बेचारा हॉस्पिटल पहुंच गया है। ऐसा क्या खा लिया आपने, ऐसा क्या पी लिया आपने, सिचुएशन ऐसी हो गई है। चाहिए अगर आप सारी चीजें खाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी तबीयत खराब होगी, पर हाँ एक या दो प्लेयर की हो सकती है, 10 से 11 या 12 प्लेयरों की नहीं हो सकती। इसका मतलब है फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है खाने में। और ऐसा क्या कोई एक चीज ही है जिसका असर तकरीबन 13 बंदों पर हुआ। खाना खाकर आए, ये अपनी मनपसंद खाना खाकर आए, ठीक है, जो इन्होंने कहा था वही इनको खाने को मिला, पेट खराब हो गया, तो इसका मतलब है तुमने होटल जाके कुछ किया है भाई पे। होटल जाके कुछ किया है, मांग के खाने में कुछ नहीं, अरे हजम नहीं हुआ ना आज। हंसी भी आ रही है और सूरत हाल भी। किंग्स की जो इंतजामिया है वो सर जोड़कर होटल में बैठी हुई है और टीम होटल में ही मीटिंग हो रही है कि किस तरह आज वो अपने 11 खिलाड़ियों को मैदान में उतारे, क्योंकि जो सूरत हाल बताई जा रही है वो काफी तश्वीशनाक है। जिस होटल में टीम सारी टीमें ठहरी हुई है उसी होटल में कराची किंग्स की टीम ने भी खाना खाया। कल उनके जो दो प्लेयर्स थे जेम्स विंस और डेनियल सिम्स, ये फूड पॉइजनिंग की वजह से मैच नहीं खेले थे, लेकिन आज मीर हमदा और अरफात मिन्हास के बारे में बताया जा रहा है कि उनको बुखार है। तबरेज शमसी की भी तबीयत सही नहीं है। डुप्लाई जो उनके एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर है वो हॉस्पिटलाइज है। तो अगर 11 प्लेयर नहीं अवेलेबल कराची किंग्स के पास, अगर ऐसा इश्यू हुआ हुआ है, 8-9 लड़के हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए दानिश, ये तो बहुत ही अनयूजुअल सी सिचुएशन है। अगर आपको याद हो कि 3 साल पहले जब कोरोना था जी, उस जमाने में भी कराची में ही इसी सेम होटल में मसला हुआ था कि बाहर से खाना आया जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर जो थे वो कोरोना वायरस का शिकार हुए और टूर्नामेंट जो था वो रोक दिया गया और उसके बाद टूर्नामेंट का बकिया जो हिस्सा था वो अबू धाबी में कंप्लीट किया गया। अब टूर्नामेंट के लॉस के मुताबिक तो मैच होना है। अगर कराची किंग्स वॉकओवर दे देती है तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन बहुत ही अनयूजुअल सी बेसिकली अगर बोर्ड से भी अगर 11 की टीम नहीं बनती है तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स को वॉकओवर मिल जाए। इस बारे में बिल्कुल लाइल में कि आगे क्या होने जा रहा है और लॉस क्या कहते हैं। ये होटल को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। मैं मैच शुरू होने से एक दिन पहले मैं उधर जाता हूँ DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी, मैं जब वापस आ रहा था तो ये दोनों टीमें कहीं से खाना खा के आ रही हैं, दोनों टीमें। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था सिग्नल पे, इसलिए पुलिस ने रोका हुआ था। वो टीमें गुजरी हैं, दोनों मेरे सामने से गुजरी हैं, 4 बसें और पूरी पुलिस के घेराव में जिस तरह होता है। मैं जो बसें थी जो PCB की थी मैंने देख के पहचान दी, वो किसी के घर पे खाना खाने गए थे। अब उस जिस डायरेक्शन से वाले थे, मैं नाम नहीं लूंगा किसका घर है, वहाँ पे 2 ऐसे हजरात हैं जो बड़े मशहूर क्रिकेटर्स हैं, उनके घर हैं, वो वहाँ से आए हैं और मेरे सामने से होते हुए गए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो उन्होंने बाहर भी खाना खाया या अकेले होटल को आप ब्लेम नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, या आप रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर बना सकते हैं लेकिन आप बाहर से आए हुए इन प्लेयर्स को कैद नहीं कर सकते। आपको इनको एक एक्सपीरियंस भी देना है, हाँ आपको सेफ्टी को मद्देनजर रखना है, बट आप गिद्ध की तरह इनको देखते नहीं रह सकते, इनको हर वक्त मॉनिटर नहीं कर सकते। देखिए दानिश, दे आर प्रोफेशनल्स और पहले हम बात कर रहे थे कि जी होटल तक कैद हैं, अब तो गोल्फ खेलने भी जा रहे हैं और अगर सिकंदर बख्शा भी खुलासा कर रहे हैं कि किसी के घर पे दावत में गए थे तो ये भी अच्छी बात है। कुछ मामला सेहत के हवाले से ऐसे होते हैं कि जिस पर आपका बस नहीं होता,
तो जो हुआ है अफसोसनाक हुआ है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बाकी जो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल का कराची किंग्स को सामना है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस तरह के जो वाकयात हैं वो डेफिनेटली नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर इस तरह हुआ है तो बहुत ही अफसोसनाक है। डेफिनेटली देखें, ये प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और प्लेयर खुद बड़ा इसका रिस्पॉन्सिबल होता है खाने पीने में, अपनी फिटनेस के बारे में। और नो डाउट जब आप किसी फंक्शन पे जाते हैं या इन्विटेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे ढेरों किस्म की डिशेज होती हैं, तो वहाँ पे पिक एंड चूज भी करना चाहिए। अगर आप सारी चीजें खाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी तबीयत खराब होगी। पर हाँ, एक या दो प्लेयर की हो सकती है, 10 से 11 या 12 प्लेयरों की नहीं हो सकती। इसका मतलब है फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है खाने में। और आज एक बड़ी खबर आई, गोके कराची किंग जीत भी सकता था, लेकिन उससे पहले खबर आई कि उनके 13 खिलाड़ियों को फूड पॉइजन हो गया, और फूड पॉइजन में कुछ को ड्रिप्स लगी, कुछ को बुखार था, एक आध को शायद हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। नसीम भाई, बाहर निकलना अलाउ नहीं होता तो फिर क्या, और होटल फाइव स्टार होता है तो फिर होटल का खाने में कोई मसला था, या इन्होंने बाहर से खामोशी से किसी की कोई रिश्तेदार दे गया था साग पालक को जो गड़बड़ कर गया, ये कभी सुना नहीं है। 13 खिलाड़ी यानी कि 13 ने एक साथ खाया खाना। देखिए, लॉ के तहत आप बाहर से खाना नहीं मंगवा सकते, लॉ के तहत आपने होटल में ही खाना खाना है। और चरखारी जुबान है, कब तक फाइव स्टार का फीका खाना खाएंगे? डॉक्टर कोई कार्रवाई हुई है, कोई मरीज है, आते तो हैं बाहर से खाने, कोई रोक भी नहीं सकता। देखिए, सिर्फ कराची किंग्स का ही पेट क्यों खराब हुआ? फाइव स्टार होटल में जो खाना बन रहा है वो तो एक ही जगह पे बनता होगा, वो ठीक है, सब अपने फ्लोर पे खाते हैं खाना, सबका अरेंजमेंट, ये थोड़ी होगा कि कुक भी एक ही होगा, किचन भी एक ही होगा, पीसी जो जिस होटल के अंदर ये ठहरे हुए सामने भी एक फाइव स्टार होटल है, ये थोड़ी है कि वहां से खाना यहाँ पर आ रहा होगा, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, खाना तो उसी होटल का होगा। बाकी टीमों का क्यों पेट खराब नहीं हुआ, तो लोगों को समझ में आ जाती है बात कि इसके पीछे रीजन। अब बिरयानियां पिलाओ, देखिए क्या शुरू हो गया। 20 में से 13 प्लेयर्स कराची किंग्स के जनाब बीमार हो गए हैं, फूड पॉइजनिंग, वो जिसको कहते हैं ना कि लूज मोशन और वॉमिटिंग, ये सारे मामला पैदा हो गए। करन पोलार्ड, तब्रेज़ शम्सी, हसन अली, जेम्स विंस, और वो डिप्लॉय तो बेचारा हॉस्पिटल पहुंच गया है। भाई ऐसा क्या खा लिया आपने, ऐसा क्या पी लिया आपने कि सिचुएशन ऐसी हो गई है? अब 20 में से 13 प्लेयर जब बीमार होंगे तो आप फाइनल 11 कैसे सिलेक्ट करेंगे? सवाल तो ये है। अब लेने के देने पड़ गए हैं इंतजामिया को, आप अंदाजा करें मामला की संगीनी का। गोरे बेचारे भाई, वो मिर्चे खाते ही नहीं है, अब आपने उनको मिर्चे खिला दी है, वो हशर क्या हो गया उनका? सवाल ये है। और इस न्यूज के मुताबिक कहा जा रहा है कि प्लेयर्स के पेट खराब हो चुके हैं और एक को तो हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया जा चुका है, जबकि कुछ को हुटास में भी ड्रिप लगी हुई है। पेट के अमराज में मुब्तला हुए हैं, कल भी ये शिकायत आई थी कि खिलाड़ी पेट के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से पीसीबी ने कोई वादे तौर पर अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बताई है कि आया खिलाड़ियों के लिए क्या फाइल है, क्या उनके फूड में इशू है, उनके पानी में इशू है, अगर ऐसा मसला क्यों हो रहा है कि एक नहीं बल्कि आज तो 13 खिलाड़ी जो है वो पेट के अमराज में जो है वो मुब्तला हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी गई है। एक खिलाड़ी को जो है अस्पताल भी ले जाया गया है, जो कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी। कहा अभी बड़ी मुश्किल से दिल दहल रहा है। मैं पूछ लूं, असगर आज मैच होता दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? 13 खिलाड़ी बीमार है, कौन कौन से खिलाड़ी बीमार है और कौन से खिलाड़ी खेल सकते हैं आज का मैच? देखिए, दो गैर मुल्की प्लेयर है वो तो इस मर्ज में मुब्तला है ही, क्योंकि उनकी तो वजह भी समझ में आती है कि हो सकता है उनको पानी का कोई फर्क पड़ा हो, लेकिन जो हमारे लोकल प्लेयर है वो भी बीमार है और अभी जो थोड़ी बहुत तबीयत बेहतर हुई है तो उन प्लेयर्स को मिलाकर इन्होंने 11 खिलाड़ी जो है वो तरतीब है। अब देखना यह है कि कौन कौन से खिलाड़ी अब मैदान में उतरते हैं और उनकी तबीयत कैसी है। बजाही तो प्रैक्टिस सेशन में हमने ये देखा कि इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऐसी नहीं थी, नकाहत इनके कल ये बात हो रही थी कि बॉडी लैंग्वेज काफी डाउन लग रही थी कराची किंग्स के प्लेयर की, से कराची की हालत हो गई है नाजुक। हाँ, मैं अरबाब इख्तियार से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरखास्त करता हूँ, एक इंक्वायरी तो करवाएं यार, हाउ इज दैट पॉसिबल? आई थिंक किसी फूड में, या क्यों इनको कोई नाकिस क्या ड्रिंक मिली है या नाकिस पानी मिला है, कोई दम वाला पानी था जिससे इनके पेट में जो है वो मसाइल पैदा हुए? मतलब आई थिंक के इट्स लुक लाइक के फूड पॉइजनिंग टाइप ऑफ इशू लग रहा है ऑलमोस्ट। ये 13 प्लेयर्स जिस तरह से इससे इफेक्ट हुए हैं जी।
तो हेलो दोस्तों, पाकिस्तान की खबर सुनकर यहाँ पर हंसी आ रही है क्योंकि पाकिस्तान में बासी खाना देने से पाकिस्तानी की पाकिस्तान के पीएसएल खेलने वाले 13 प्लेयर को ले जाना पड़ा हॉस्पिटल। अब यहाँ पर फूड पॉइजनिंग पॉइजन का कारण है। अब यह फूड पॉइजन कैसे हुआ, यहाँ पर किसने किया ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर एक होटल में दो टीम के प्लेयर रुके थे, उनमें से एक टीम के प्लेयर के तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक टीम के प्लेयर में से 13 प्लेयर को यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा फूड पॉइजन के कारण। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान की हालत देखकर हंसी आ रही है। पीएसएल खेलने वाले खिलाड़ी को भी पाकिस्तान अच्छे से खाना नहीं दे पा रहा है और यहाँ पर 13 खिलाड़ी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है आपने तो सुन लिया। तो आप ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।